होने वाली है और ये फिल्म हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाई है और उस लोकेशन पे शूटिंग की है हम लोगों ने जिसपे कभी फिल्म की शूटिंग हुई नहीं है। पानागढ़ एक जगह है कलकत्ता के पास में और दुर्गापुर के पास, और इसमें आयुषी तिवारी है, अमित शुक्ला है और दीपक सिन्हा है, आयाज खान है और दलीप फाइट मास्टर जी हैं जो एक्शन किए हैं, म्यूजिक मधुकर आनंद जी का है, विनय बिहारी जी ने लिरिक्स लिखे हैं और राकेश त्रिपाठी इसके राइटर हैं और मैंने डायरेक्ट किए। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मनोरंजन फुल कमर्शियल है कि उसके हिसाब से कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से आपने बताया फिल्म तुझ पे कुर्बान की जो शूटिंग है ऐसे लोकेशंस पे की गई है जहाँ पर इससे पहले कोई भी शूट नहीं हुआ है, तो इस फिल्म को ऐसे ही लोकेशंस की जरूरत थी या फिर उस लोकेशन में ऐसा कुछ खासपन था खासपन आपको लगा जिसकी वजह से आपने उस लोकेशन पे शूटिंग की फिल्म? मैंने इसका सब्जेक्ट की मांग थी कि हमको पुरानी स्टाइल के जो घर होते थे, कच्चे घर और सब काम करते थे किसान लोगों का, और ये एक लव स्टोरी है, डिफरेंट लव स्टोरी रखी है जो आज तक जो है बहुत कम, अब तो फिल्मों में कच्चे घर या गांव ऐसा दिखाते नहीं है, और इस सब्जेक्ट की मांग थी कि उस लोकेशन पे हम लोग शूट करें। और इस फिल्म में क्या कुछ नयापन है, एक लव स्टोरी है या फिर इससे कोई मैसेज देने की भी कोशिश की गई है? इसमें हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने वल्गरिटी नहीं दिखाई है, भोजपुरी में जो वल्गरिटी लोग दिखाते हैं करते हैं वो नहीं दिखाई है, और इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल मैसेज वाला बोल सकते हैं कि एक शादी के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। आज हमारा मोबाइल नेट सब कुछ आ गया मगर उतने ही हम लोग दुखी हैं, उतने ही हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे माँ बाप भाई बहन सब लोग दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर घर पे हर बंदे पे मोबाइल है मगर अभी भी उस इलाके में कि कच्चे घर है, सुबह का खाना खा लेते हैं शाम का, मगर लव स्टोरी सब जगह चलती है, प्यार करने के लिए वो लोग भी वक्त निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैसेज है कि हम सोचते कुछ है, करते कुछ और हैं, और हमारे जितने नेट ये लोग आजकल हम दूसरों का झूठन ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो नहीं किया मैंने। मैंने ओरिजिनल स्टोरी उठाई है, ओरिजिनल कहानी है, ये एक रियल घटना है, किसी के साथ घटी हुई घटना है, और वो कलकत्ता का ही बंदा था और वहीं पे शूट किया था। मैंने सोचा कि इसको भोजपुरी फिल्म बनाया जाए, भोजपुरी समाज में जो ये सेम घटना है पूरी इंडिया में, हिंदुस्तान का जो समाज है वो एक ही ढर्रे पे चलता रहता है कि कुछ भी आ जाए, नेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर सबसे पहले वो अपने रिश्तों को खोना शुरू करते हैं। ये मैं इसमें दिखाने की कोशिश किया कि ऐसे मत करो, ऐसे ये सब्जेक्ट बहुत इमोशनल है, और रितेश पांडे जी का जो है उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म होगी ये, चलना नहीं चलना वो तकदीर का खेल है, मगर हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, रितेश जी ने, अभय तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है, पैसे से भी और कैरियर एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, नेक्स्ट फिल्म जो करने जा रहा हूँ उनके साथ में वो भी बहुत अच्छी होगी। आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है और ये फिल्म लोगों तक पहुंची, इसके लिए आप कितने तैयार हैं, किसे किस तरह से कब आप रिलीज करेंगे और सिनेमा घर में जाकर हर कोई इस फिल्म को देख सके, क्योंकि आप एक अच्छी मूवी लोगों के सामने लाने की आपकी कोशिश है? मैं इस फिल्म को कंप्लीट तो कर लिया, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, मगर मैं मई जून में इसको रिलीज करूँगा, और मैं इस फिल्म का प्रमोशन अलग तरीके से प्रमोशन करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे प्रोड्यूसर है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, उन्होंने बड़ी छूट दी है मुझे कि जो भी प्रमोशन इस फिल्म के लिए जो भी करना है वो करिए प्रमोशन। थोड़ा सा क्या है, भोजपुरी में कई चीज़ें अभी चल रही हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप छोटी से छोटी चीज़ को जानते हैं कि क्या चल रहा है, मगर मैं जैसे मैंने पिछली फिल्म भी बहुत अच्छे से डिफरेंट से वो प्रमोशन किया था, इसका उससे भी बेटर करेंगे, और इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर बहुत मजबूत है मेरा, और मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ इस पर, मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ कि ये चीज़ें
अच्छा प्रमोशन करके रिलीज मई जून में रिलीज करूंगा। आपकी जो अगली फिल्म है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, वो किस तरह? हाँ, एक ये रुद्रा फिल्म की दूसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ, भैया नीलकंठ, जिसमें अभय तिवारी जी सोलो हीरो होंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें एक्शन बहुत ज्यादा होगा और इमोशनल तो है ही, इमोशनल तो बगैर इमोशनल के कहानी नहीं होती है। और उसमें संगीता तिवारी है और अभी कास्टिंग चल रही है, उसको अप्रैल में हम लोग शूट करने जा रहे हैं देवरिया उत्तर प्रदेश और यूपी में शूट करेंगे और बाकी का सब कास्टिंग चल रही है। और वो लार्ज फिल्म है, भोजपुरी की बड़ी महंगी पिक्चर होगी ये, और प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि भाई मैं इसको बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ। अभय तिवारी जी न्यू इंट्रोड्यूस हुए रितेश जी के साथ में, हाँ। कैसा रहा उनका अभिनय फिल्म में? अभय तिवारी जी के रितेश जी के साथ में दोनों की टक्कर की एक्टिंग की है और दोनों अच्छे एक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय तिवारी नए जैसा नहीं लगते हैं कि वो पहली बार काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं, और रितेश भाई ने बहुत, रितेश मेरे बहुत प्यारे भोजपुरी के बहुत प्यारे एक्टर हैं और मैं चाहता हूँ कि वो और ऊपर जाए, जो अभी आजकल उनका गाना भी हिट हुआ है, बड़े स्टार बने, तो बाय नेचर बहुत अच्छा प्यारे। अलग अगर हम कहानी बजाएंगे तो एक लाइन में कहानी क्या कहना चाहते हैं फिल्म? पति पत्नी की कहानी है, एक विश्वास, एक समाज में जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और गांव में ज़्यादा पैदा होती हैं। आजकल हमारा एक पति शहर में रहता है तो उसकी पत्नी को लोग लाशन लगाते हैं, उनको कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं, बस ये लाइन है। बाकी की फिल्म देखिए और मेकिंग देखिए, और म्यूज़िक बहुत अच्छा किया है मधुकर आनंद जी ने, तो ये चीज़ें हैं। और क्या नया, हिंदुस्तान में यही चार कहानी होती हैं और उसी में चलता है, उसमें जो अच्छा बना लेता है वो अच्छी चल जाती है। और कौन कौन सी फिल्म अभी कंप्लीट हो चुकी है जो रिलीज पे? मेरी अभी शुक्ला वांटेड है और सिंह द्वार है, कई फिल्में हैं अभी रिलीज कंप्लीट हुई है। अब ये दिल तुझ पे कुर्बान पहले ये रिलीज करूंगा, उसके बाद सब रिलीज करूंगा। और होली आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को एक ही चीज कहता हूँ, होली खेलिए, पानी मत बहाइए, कलर लगाइए, अच्छे कलरों से खेलिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेफ रखिए, हुड़दंग ना करें। और आपको रंग लगाना था? मुझे कलर लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, मगर गीला नहीं, सूखा। हैप्पी दिवाली। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app and never miss another update.